हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लहर्स देसी रसोई। आज हमारी रसोई में बन रही है कच्चे आम मतलब कैरी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, जिसने कभी ट्राई नहीं की, आज मेरे साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम मींस कैरी, और इसे पील करके हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें मैंने डाले हैं थोड़ा सा लहसुन, ज़रा सी हल्दी, धनिया पाउडर, और उसी के साथ यहाँ नमक ऐड किया है मैंने। क्वांटिटी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। और उसी के साथ लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स, थोड़े से घी में हम सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा और उसी के साथ कलौंजी, इन तीनों का तड़का लगाएंगे। और जो हमने एकदम फाइन पेस्ट तैयार किया है, अब इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। और बस इसी मसाले के अंदर हम बनाएंगे कैरी की सब्जी। जब ये मसाला अच्छे से घी छोड़ दे, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमने ये कैरी कट की है उसको हम ऐड करेंगे इसमें। और हमें अभी पानी ऐड नहीं करना जब तक जो ये कैरी है इसमें मसाला अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। और उसी के साथ हम डालेंगे इसमें चीनी। फ्रेंड्स, ये थोड़ी खट्टी मीठी चटपटी सी सब्जी होती है, और इसी मौसम में इसका टेस्ट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और इसी मौसम में हमें कैरी मिलती है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम नियर अबाउट 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे, और इसके 1 से 2 उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। अच्छे से इसे हमें बॉईल करनी है। अब फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी इससे पतली चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम ऐड करें फ्रेंड्स। अब हम एक पीस को ऐसे कट करके देखेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम पक चुका है, तो मींस हमारी सब्जी है एकदम रेडी। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि किस किस ने ये सब्जी पहले भी टेस्ट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।